जब भी बेसमेंट बनाओ तो एक बात का जरूर ध्यान रखना है आपको, वो है आपका ये सबवेल टैंक। आप कितनी भी अच्छी आरसीसी वॉल बना लो, सीपेज होगा ही, पानी को रोका नहीं जा सकता, पानी को दिशा दिखाया जाता है कि कहां पे बहना है। जब ये आरसीसी वॉल से सीपेज होगा तो हम इसके आउटर लाइन पे एक छोटी सी ड्रेन लाइन बनाएंगे जिसका पूरा वाटर इस सबवेल टैंक में आएगा। यहाँ पे एक मोटर होगा जो कि ऑटो फिटेड होगा, जैसे ही पानी का लेवल एक सर्टेन हाइट से ऊपर जाएगा ये मोटर अपने आप स्टार्ट होकर इस पानी को बाहर डिस्चार्ज कर देगा। यदि आपने ये व्यवस्था नहीं किया है अपने बेसमेंट पे तो आप जीवन भर परेशान होने वाले हो। पानी को रोको मत, पानी को दिशा दिखाओ ताकि वो टैंक तक पहुंच जाए। आप कितने भी अच्छी वाटर प्रूफिंग करवा लो लेकिन वो रोका नहीं जा सकता। वाटर प्रूफिंग की एक सर्टेन लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद वाटर प्रूफिंग खराब हो जाना है, जिसके लिए आपको रास्ता दिखाना है। यदि आपने सीख चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आ गया हूँ सिखाने के लिए।